ईद से एक रात पहले राजस्थान के जोधपुर में तनाव पैदा हो गया है। जोधपुर में कल दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल हुए हैं। ये बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब जोधपुर के जालौरी गेट चौराहे पर बने बाल मुकुंद बिस्सा सर्कल पर लगे भगवा ध्वज को उतार कर मुस्लिम समाज के युवकों ने इस्लामिक झंडा लगा दिया। इस बात पर कुछ लोगों ने एतराज जताया तो कहासुनी शुरू हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। ईद से पहले इस चौराहे पर केवल झंडा ही नहीं लगाया गया बल्कि लाउडस्पीकर भी लगवाए गए, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई और गुस्साए लोगों ने लाउडस्पीकर उखाड़ दिए। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तनाव को देखते हुए जोधपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस चौराहे पर आम दिनों में भी केसरिया झंडा लगा होता है। आज परशुराम जयंती के मौके पर इसे विशेष तौर पर सजाया गया था, लेकिन देर शाम को मुस्लिम समाज के लोगों ने इस्लामिक झंडा लगा दिया। जालौरी गेट चौराहे रोड पर बड़ी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग यहां पर जमा होते हैं और सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। हिंदू संगठन के लोग इस बात पर अड़े हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी इसी जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर अड़ गए हैं। दरअसल आज ईद है और भगवान परशुराम की जयंती भी। इसको लेकर जालौरी गेट चौराहे पर बाल मुकुंद विश्वास सर्किल को भगवा ध्वज और झंडियों से सजाया गया था, लेकिन सोमवार देर शाम को विराट मुस्लिम समाज के लोगों ने भगवा ध्वज और झंडियों को हटाकर इस्लामिक सिंबल के झंडे को लगा दिया और यहीं से बवाल शुरू किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।